हाय फ्रेंड, दिस इज आवर होस्ट हसमत वरिया। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। तो गाइस, ब्लैक फंगस बहुत रेयर है अभी इंडिया में। ये लास्ट ईयर भी आया था, बहुत पेशेंट को हुआ था, बहुत लोगों को हुआ था, और गाइस अभी ये फिर से आ चुका है। गाइस, ये ब्लैक फंगस अपने एनवायरनमेंट में रहता है, लाइक इन सॉइल, सड़ी हुई पत्तियाँ, पेट की और गाइस सड़ी हुई सब्जियाँ और डेड बॉडीज, ये फंगस उधर रहता है। और गाइस, ये फंगस आपके नोज से, आपके माउथ से अंदर जाता है, और आप कहीं चोट लगी हुई है, अगर कहीं कट लगा हुआ है तो गाइस ये वहाँ से भी जा सकता है। तो उसके लिए एक उपाय है जिससे आप बच सकते हो। तो गाइस वो है, आप अगर आपके कहीं भी बॉडी में कट लगा है, तो चोट लगी है, तो गाइस आप वहाँ पे उसकी केयर करें, उसको आप उसके ऊपर पट्टी बांध लें जिससे कि वह अंदर नहीं जाए, उसके ऊपर उसकी केयर रखें, साफ़ सफाई से रहें। और गाइस, ये माइंड में, अगर ये माइंड में पहुँच गया, इसके सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये माइंड में पहुँच गया, इसका सिम्टम्स है आपका आधा फेस सूज जाएगा, और गाइस आपके नोज़ के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स बहुत बढ़ते रहेंगे। और गाइस, ये होगा माइंड में पहुंच जाएगा तो सिम्टम्स ये होंगे आपके। और गाइस, अगर ये आपके लंग्स में पहुंच गया तो आपको ज़्यादातर खांसी होगी और आपके पेट में दर्द होगा। और गाइस बस, अगर ये लंग्स में पहुंच गया तो ये होगा। और गाइस, अगर आपके नोज़ में, अगर ये पहुंच गया नोज़ से, तो आपको नोज़ में से ब्लड होगा, ब्लड आपके नोज़ में से ब्लड निकलेगा, और गाइस आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। बस गाइस, तो अब इससे कैसे बचें? तो गाइस, इससे आप ऐसे बच सकते हैं, गाइस आप मास्क पहन के रहें। गाइस, ये एक दूसरे से छूने से नहीं होता। गाइस, ये अभी ज़्यादातर लोग, अभी अभी जिसको हो रहा है, ये ज़्यादातर कोविड पेशेंट्स को हो रहा है, जो अभी रिकवर होके आ चुके हैं और जो अभी रिकवर होने में लगे हुए हैं, उनको हो रहा है ये, क्योंकि अभी उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो है। सो गाइस, कुल मिला के बात ये है, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उनको ही जो उनको ही ब्लैक फंगस होगा। और गाइस, ब्लैक फंगस जैसे कि डायबिटीज़, जिसकी शुगर, जिसको शुगर है बहुत, और गाइस जो जिसको जिसे ब्रेन जिसे एनी वे जिसको किसी की भी कोई सी भी बीमारी है, जिसका बहुत पहले से इलाज चल रहा है, उसको ये बीमारी हो सकती है जिसकी इम्यूनिटी लो है। तो गाइस, आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है, आपको हैवी प्रोटीन लेनी है, और गाइस ऑयल फ्रूट्स लेने हैं और ग्रीन सब्जियां खानी है, और बस आपको इम्यूनिटी बूस्ट रखनी है। और गाइस, ये ऐसा नहीं है बस कोविड पेशेंट को ही होगा, पर सबको हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी लो होगी सबको होगा, सबको हो सकता है। और गाइस, अगर आपको, मैंने अभी आपको दो सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि गाइस अगर आप लेट हो गए तो अगर ये तो ये माइंड को ही पहुंच सकता है, तो उससे अगर माइंड में पहुंच गया तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए गाइस, आप अपना ख्याल रखें। और ये अगर आँख में पहुंच गया हो, अगर लेट हो गए तो आपकी आंखें भी निकाली जा सकती हैं, अगर आपकी आंखें नहीं निकालेंगे तो ये माइंड में पहुंच जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। बस गाइस, आपको ये बताना था, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट रखें, जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी उसको इंडियन ये फंगस नहीं होगा। बस आपको आज ये बताना था। तो गाइस, नाउ टिल देन टेक केयर एंड बाय।